प्यार प्यार व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज शेयर कर रहे हैं लेटेस्ट सैंडविच, वेज सैंडविच, हेल्दी प्रोटीन सैंडविच है जो कि डाइटिंग के लिए बेस्ट है और बहुत ईजिली क्विक और बहुत हेल्दी फ्रेश बन जाता है। तो बहुत ईजी यम्मी डिलीशियस सा सैंडविच बनाने के लिए हमने जो है वो यहाँ पर खीरा लिया है, चॉप्ड कैबेज ली है, फ्रेश लेटस लिया है और थोड़ा सा बीटरूट लिया है। ये हमारे जो है वो पोटैटो की स्टफिंग है। जिस तरह से हम आलू भुर्ते में या आलू के पराठे में स्टफिंग करते हैं, इस तरह आलूओं को मैश करके उसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, थोड़ा चटपटा सा कर लिया उसको फ्लेवर देने के लिए। और साथ ही हमने एक अदद अंडा, चिली फ्लेक्स और साथ में हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड टू टेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक ऑमलेट बना लेंगे। इस ऑमलेट को दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जब ऑमलेट थोड़ा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसको दो पीसेस में करके दोनों सैंडविच पर हाफ हाफ जो है वो हम ऐड कर लेंगे। ये सैंडविच ऑमलेट बन चुका है। अब इसको जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस पर रखते हैं। इस तरह ब्रेड के स्लाइस पर रख देंगे अंडे को, और साथ में जो है वो अब हम इसमें सलाद पत्ता ऐड करेंगे, कैबेज ऐड करेंगे, खीरा और बीटरूट, चुकंदर शामिल करेंगे। अब ये बहुत इजी और बहुत यम्मी सा विदाउट ऑयल, लो ऑयल में बना हुआ जो है वो हमारा सैंडविच रेडी टू सर्व है, जो कि डाइटिंग के लिए भी बेस्ट है और इसमें फुल प्रोटीन्स हैं और बहुत यम्मी लगता है और इजी क्विक बन जाता है। 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लंच स्किप करना चाहें तो एज अ लंच में भी जो है एज अ डाइटिंग इन सैंडविचेस को बनाकर रेडी किया जाता है, बहुत ईजिली बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होता है। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिल्म मिलेंगे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।